ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक महाभाग्यशाली राशियां। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। 4 मार्च 2019 सोमवार का दिन है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जो कि शाम को 4:36 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। महाशिवरात्रि का महापर्व इस दिन रहेगा। महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है, पूजन पाठ किया जाता है और इसी के साथ महाशिवरात्रि की कथा भी सुनना चाहिए। हमारे चैनल पर हमने आपके लिए महाशिवरात्रि के अन्य जो भी वीडियो अपलोड किए हैं उनको आप अवश्य देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना मुंह देख करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 से लेकर 9 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव कुंभ राशि में, चंद्रमा जो कि मकर राशि में, मंगल मेष राशि में, बुध मीन राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र मकर राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क एवं केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार 5 राशि वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है। 5 राशि वाले जो चाहेंगे वो मिलेगा उनको सब कुछ। ये 5 राशियां इस प्रकार रहेगी: मेष, वृषभ, तुला, धनु और मीन। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, पारिवारिक उन्नति होगी, स्थायी संपत्ति प्राप्त होने का योग बनेगा। इसी के साथ में नया घर, नया वाहन, नई संपत्ति या नई भूमि इनको प्राप्त हो सकती है और इनके सपने पूरे होने वाले हैं। साथ ही यदि नए रोजगार की इच्छा कर रहे हैं तो वह भी इनको मिलने वाला है। यदि व्यापार क्षेत्र में है तो वहां पर इनको उन्नति और प्रगति दिखाई देने लगेगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।